आप देखिए, we have a special delivery for you. OnePlus मेरे को एक special delivery दे रहा है। The new OnePlus and a whole OnePlus का flagship phone. ये है, इसके अंदर क्या है? बताओ यार, वीडियो में आगे और suspense create करो। नहीं, suspense नहीं रखूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस box के अंदर है OnePlus का सबसे अच्छा और सबसे latest phone OnePlus 10. Because ये phone एक flagship phone है OnePlus का. सबसे लेटेस्ट है, इसके अंदर प्रोसेसर, स्पीड, इसकी डिस्प्ले सब ऑसम है गाइस। तो मैं आपको सबसे फर्स्ट इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। देख, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि इसके अंदर कैसा मोबाइल है। मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च करके इसको मंगाया है, काफ़ी कॉस्टली भी है लेकिन मिड रेंज में अच्छा है। आइए देखते हैं, और इसको मैं कंपेरिजन भी करूँगा अदर फोन से, तो मेरे वीडियो में जुड़े रहें अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसकी पूरी। कहाँ से खोलेंगे इसको? OnePlus 10 Pro हेजल ब्लेड की यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है, को डेवलप विद हेजल ब्लेड। इसके जो कैमराज हैं उसमें ये हेजल ब्लेड के साथ आते हैं, और ये 5G फ़ोन है OnePlus का, और लेटेस्ट फ़ोन है ये अभी। और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ और बॉक्सिंग में क्या क्या है आपको। इसमें आपको एक कवर काफ़ी अच्छा है OnePlus का, नेवर सेटल्ड बैजिंग के साथ, OnePlus के लोगों के साथ एक कवर दिया हुआ है, मेटलिक ब्लैक कलर का है, बहुत अच्छा कवर है। इसको रखते हैं साइड में, ये इसका कवर हो गया। एक बिल परफॉर्मर दिया हुआ है, बिल नहीं दिखाऊंगा आपको अभी, इसको साइड में रखते हैं। ये बॉक्स खाली हो चुका है, इसको भी साइड में रखते हैं। वाह, अब चेक करते हैं, सुनते हैं, अनबॉक्स ओपन करते हैं। ओहो, आजा भाई आजा, आजा भाई आजा। वाह, साइड में रखते हैं। ये कई सारे यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन दी हुई है गाइस, और इसके साथ एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, रेड केबल कार्ड का एक मेंबरशिप कार्ड दिया हुआ है, और एक यूज़र मैनुअल दी हुई है। साथ ही में देखिए, ये स्टिकर्स दिए हुए हैं OnePlus के, और ये सिम इजेक्टर दिया हुआ है इसमें। सिम इजेक्टर के लिए इतना बड़ा वेलकम कार्ड बनाया हुआ, वेलकम कर रहा है OnePlus। हेजल ब्लेड का ब्रांडिंग है, वेलकम है, OnePlus का लोगो है, और ये स्टिकर्स हैं हाइपर बूस्ट। तो अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, हमारा मोबाइल। ये है हमारा मोबाइल, मोबाइल को साइड रखते हैं इस समय। सबसे पहले इसका चार्जर देख लेते हैं। वाओ, 80 वॉट। ये है ओप्पो की तरफ से एक जॉइंट वेंचर कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है, पहले ये अलग आता था लेकिन अब ये आ रहा है सुपर वूप चार्जर, 80 वॉट चार्जर है ये, और ये इसके साथ रेड केबल है, और ये 80 वॉट का चार्जर है। बाकी कुछ नहीं है बॉक्स में। अब हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की ओर। सबसे एक्साइटिंग पार्ट, मेरा मोबाइल OnePlus 10 Pro। कहाँ फंस गया लुक गाइस लुक। खोलो या रुक जाऊँ, खोल लेता हूँ। वाह, सब चीज़ करता हूँ साइड। इसका कैमरा सबसे अट्रैक्शन पार्ट जो मुझे इस मोबाइल का लगा, वो लगा इसका कैमरा सेटअप। ये मेरे को सबसे फेवरेट आया, जब से मैंने ये सेटअप देखा और ये कलर देखा, मेरे को बस इस पर दिल आ गया, और मैंने सोचा कि यही मोबाइल लेते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे को सोचना पड़ा, कम से कम 15-20 दिन मैंने इस पर रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद मैंने इसको लिया है, क्योंकि कॉस्टली है OnePlus 10 Pro। स्क्रीन बहुत ही अच्छी है इसकी, फ़ोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑन कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ, कुछ प्रोसेसर मांग
कैमरा है, ये देखिए स्टार्ट हो गया फोन। अच्छा है ना, पसंद आया आप लोग को? पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे इसका फुल रिवील करूंगा। मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट है 72,000 का या फिर आपका बजट है 67,000 का, तो आप यू कैन गो विद OnePlus 10 Pro, यो प्रो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोशिश करूंगा ट्रैवल ब्लॉग के साथ बीच बीच में आपके लिए। डिस्प्ले देखिए आप गाइस, इतना फास्ट है ये। इसका जो टॉप वेरिएंट है जो कि मेरे हाथ में है गाइस, ये आता है 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं गाइस, इसमें 7GB आप वर्चुअल रैम भी क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपको इसमें मिल जाएगा 12GB प्लस 7GB, मतलब 19GB आप रैम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस इसकी प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो ये आपको पड़ेगा 71,999 का, मतलब 72,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको टॉप वेरिएंट परचेस करना है। और बेस वेरिएंट अगर आपको परचेस करना है तो आपको 67,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन प्राइस रेंज की बात करूँ, प्राइस रेंज के हिसाब से मोबाइल बहुत ही अच्छा है। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down.